देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर सिसोली कस्बे में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अंबेडकर भवन पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और वहीं बाद में आजाद समाज पार्टी से बुढ़ाना विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए सलीम चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद कई गांव में पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत व राकेश टिकैत के आवास पर भी पहुंचे, लेकिन नरेश टिकैत व राकेश टिकैत अपने आवास पर नहीं मिले, जिस कारण मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगे के बाद 2017 में उनकी सरकार आई है, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जनता समझ चुकी है और इस बार मुद्दे बेरोजगारी शिक्षा ही रहेंगे। वहीं गोरखपुर को लेकर भी उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में गोरखपुर में बीजेपी के लोग भागते नजर आएंगे। जितना बीजेपी को सत्ता का दुरुपयोग करना है तो कर लीजिए, क्योंकि जनता जवाब देने के लिए तैयार है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।